गुड इवनिंग टू एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हर रोज की तरह कि दोस्तों आपकी सेहत, आपके परिवार की सेहत बहुत अच्छी होगी और आपकी तैयारी भी अपने एग्जाम्स को लेकर बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सभी हिमाचल निवासियों को जो है बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एनर्जेटिक सेशन में। और जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जैसे कि रिम्पी, रंजीत, नोबडी, शायद नोबडी को आज ही मैं देख रहा हूँ, शायद पहला लेक्चर है, साहिल, सपना, होम इन द हिमालय, बरखा, दिमाग, विशाल, नेचर एंड स्टडी, नैन्सी, तो आप सबका स्वागत है। और सेशन की शुरुआत में दोस्तों इस सेशन के लिंक को अपने सभी मित्रों के साथ, अपने उन सभी जो है अपनी सराउंडिंग में जो तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक बार सेशन को शेयर और लाइक है जरूर कर दें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जो स्टूडेंट्स साथ साथ जुड़ रहे हैं आप सबका स्वागत है। लेट्स क्रैक। दीप्ति, शिवानी ठाकुर, अंकिता, हाँ जी, होम इन द हिमालय। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का विचार, आज का जो दोस्तों थॉट ऑफ द डे, एवरीथिंग हैज ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज इट। आपके अंदर की जो दोस्तों खास बात है, आपकी जो काबिलियत है, आपका जो सौंदर्य है, वो हर कोई नहीं देख सकता और उसको सबसे जो बेहतर है आप खुद ही देख सकते हैं। तो अपनी जो आपकी जो सबसे बड़ा टैलेंट है, हो सकता है आप में दोस्तों पढ़ने का बहुत अच्छा टैलेंट हो सकता है आप में खाना बनाने का बहुत अच्छा टैलेंट हो, जो भी टैलेंट है उसको पहचानिए और उस टैलेंट के लिए दोस्तों डेडिकेटेडली है अपना संघर्ष कीजिए और जो बहुत जल्दी है आप सक्सेस है आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों इस खूबसूरत विचार के साथ चलते हैं आज के जो है न्यूज़पेपर में जो मेन हेडिंग्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स साथ साथ जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत, स्मृति, अल्टीमेट, आकृति, शीतल ठाकुर जी, हाँ जी, दीप्ति खन्ना, तो सबका स्वागत है। और दोस्तों सबसे पहले आज जो शुरुआत करते हैं, हमारे जो वाटर बाउंड्री स्टेट है, हम चलते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो आज जो है न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस थी कि एक साइक्लोन दोस्तों एक तूफान आने वाला है। तो ये मैं न्यूज इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इन तूफानों के जो हमारे महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में कहीं आ रहे हैं, उनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो 4 दिसंबर कल को उम्मीद है, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, आंध्र और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में ये तूफान आने वाला है जिसका जो नाम है दैट इज द जवार। हाँ जी, मैं एक बार फिर ये लिख देता हूं अलग से, जवार। तो दोस्तों इसी वजह से जो है वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर जो लोकल गांव वाले हैं, उनको बोल दिया है, उनको चेतावनी दे दी है कि कुछ दिनों के लिए आप इन क्षेत्रों को छोड़कर दूर चले जाइए क्योंकि लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं यहां पर चलने वाली हैं। तो जवार, और यहां पर मैं बता दूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में अपनी ये जो पीडीएफ है इसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करता हूं। तो दोस्तों जो आपको टेलीग्राम पे सुबह वर्ड फाइल मिलती है उसके अलावा आफ्टर द क्लास ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आफ्टर द क्लास है आप इसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो जवार इसका नाम है। फिर दूसरी खबर है उत्तर भारत से जुड़ी हुई। उत्तर भारत का पहला जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो हरियाणा के फतियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। इसकी जानकारी जो है कल जो है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने दी थी। तो दोस्तों हरियाणा का ये जो फतियाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां का एक छोटा सा विलेज है, गोरखपुर विलेज। और आमतौर पे हिंदुस्तान में हम चाहे तमिलनाडु देखें, चाहे वो महाराष्ट्र देखें, आमतौर पे पर्यावरण से जुड़े जो इशू हैं या लैंड एक्विजिशन से जो इशू हैं वो यहां पर भी आकर खड़े हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको पूछा जाए कि नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहां पर बनने जा रहा है और स्पेसिफिक उत्तर भारत में कहां पर बनने जा रहे हैं, तो वो फतियाबाद में गोरखपुर विलेज में है, इसकी शुरुआत है, बड़ी जल्दी से है शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों ये दो मुख्य खबरें थी और हिमाचल से जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं जो हम अंत में है डिस्कस करेंगे। 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अलग अलग शहरों से, चाहे वो मंडी से हो, शिमला से हो, और दोस्तों जो 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी हम बात करेंगे। और यहां पर शुरुआत से पहले बता दूं कल क्योंकि सैटरडे हमारा स्पेशल रहता है, तो कल स्पेशल है, ज्यादा जो समय हम हिमाचल को देंगे। और आज की जो करंट अफेयर्स हैं, तो सबसे पहले आप सबको पता है कि हम देखते हैं कौन कौन सी जो न्यूज हैं, आज की जो सुर्खियां बनी हैं, लेकिन उससे पहले जरूर सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दें। दोस्तों जो आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया, और शेयर भी कर दें ताकि हर एक वो हिमाचल निवासी जो अफसर बनने का सपना रखता है वो हमसे जुड़ पाए, हमारे इस चैनल से जुड़ पाए, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए। क्योंकि जो विद्या है, जो विद्या का दान है दोस्तों, आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो बहुत बड़ा जो है पुण्य का काम कर रहे हो। इसे हमें तो मोटिवेशन मिलता ही मिलता है, शायद आपको भी जो है सुकून जरूर मिले। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो अंजू बॉबी जॉर्ज, शायद आपने नाम सुना हो, 2000
2003 में है दोस्तों, इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो अभी वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन ने इनके स्पोर्ट्स को जो प्रमोट किया, जेंडर इक्वालिटी को जो फोर्स जो इन्होंने एनकरेज किया, तो उसकी वजह से इन्हें 2021 का वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। अगली खबर से पहले मैं देख लूं, कुछ स्टूडेंट्स शायद लिख रहे हैं, हाँ जी रिम्पी नेगी, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी सभी को गुड इवनिंग जो आ चुके हैं। और दूसरा जो है, जो G20 ट्रॉयका है, भारत ने ज्वाइन कर लिया है। ट्रॉयका का मतलब क्या है ये हम जानेंगे आगे जब हम पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर जो है कोस्ट ऑफ लिविंग 2021 का ये जो इंडेक्स आ चुका है, जहां पर इजराइल का जो शहर है टेल अविव दुनिया का सबसे महंगा शहर है वो आंका गया है। फिर संजय दत्त है अरुणाचल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि वहां पर जो है वो अपना स्टेटहुड डे है सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप सब जब एग्जाम्स फिल करते होंगे तो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, तो उसका डेफिनेशन बदलने के बारे में गवर्नमेंट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है। उसके जो हेड हैं वो बनाए हैं पांडे जी। और दोस्तों छठा जो प्रश्न है वो ट्विटर से जुड़ा है, तो ट्विटर के जो नए सीईओ होंगे वो भारतीय होंगे। और सातवां जो लास्ट प्रश्न होगा वो होगा कि अब जो क्योंकि हमारी आजादी के 75 ईयर्स हैं हम सेलिब्रेट करेंगे, तो इस उपलक्ष में है जो ऑल इंडिया रेडियो है, तो वो आने वाले दिनों में है दोस्तों बहुत सारे जो है कार्यक्रम है यूथ को लेकर, जो है स्टूडेंट्स को लेकर है कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी खबरें MCQs की फॉर्म में है, पढ़ी जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं, और जो स्टूडेंट्स जो है, कुछ नए भी स्टूडेंट्स लग रहे हैं, अकू काफी, ठाकुर अंकिता अकू, हाँ जी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सेंसस सेक्स रेशियो एंड NFH सर्वे? हाँ जी बिल्कुल, जो NFH है वो 2-2 साल के सर्वेज हैं, जब हम सेंसस की बात करते हैं वो 10 साल का पूरा सेंसस है जिसमें हम मेल सेक्स रेशियो की बात करते हैं। हाँ जी, तो जय हिंद विजय कुमार जी, जय हिंद, जय हिमाचल, और सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। स्टार्ट करते हैं MCQs एक बार फिर, दबा के शेयर और लाइक नहीं रुकना चाहिए आपका। तो पहला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन से जो प्लेयर हैं जिनको अभी रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड दिया है। उम्मीद करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 50 के लगभग स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो सभी इसका उत्तर देंगे और सभी सही उत्तर देंगे। पहले 2 मिनट में मैं सभी प्रश्नों के उत्तर जब मैं सुर्खियां पढ़ता हूं तो बोल ही देता हूं, तो एज यूजुअल तो जो है आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं और यही मैं उम्मीद करता हूं। और इनका जो नाम है, ये जो प्लेयर है इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। थोड़ा पढ़ लेते हैं इस खबर के बारे में। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इनको जो है स्पोर्ट्स में जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उनके अलावा क्योंकि इन्होंने पिछले लगभग 10-15 साल से भारत में और पूरी दुनिया में है स्पोर्ट्स को, महिलाओं में है बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया है ताकि जो है स्पोर्ट्स कल्चर है पैदा हो सके। वर्ल्ड चैंपियनशिप क्योंकि 2003 में जब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उससे भी कहा जाता है कि बड़ी सारी महिलाएं क्योंकि साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं, तो वहां पर बहुत सारे कोचिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग इन्होंने प्रोवाइड किए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े ताकि जो है एक स्पोर्ट्स कल्चर है महिलाओं में है भारत में पैदा हो सके। तो लॉन्ग जंपिंग, तो दोस्तों लॉन्ग जंपिंग इवेंट में है इन्होंने जो 2003 में है गोल्ड मेडल हमारा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज कही गई है यहां पर कि इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर ग्रूमिंग टैलेंट इन द कंट्री एंड एडवोकेटिंग जेंडर इक्वालिटी, तो जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत सारा इन्होंने काम किया। एंड हु हैड डेडिकेटेड हर लाइफ टू एथलेटिक्स, तो बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं स्पेशली भारत जैसे कंट्रीज में जिन्होंने पूरी जिंदगी है एथलेटिक्स के लिए है काम किया हो। तो उस वजह से जॉर्ज इनका जो पूरा नाम है दैट इज ना आप सबको देख ही लिया, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है इन्होंने जो दोस्तों इनको ये अवार्ड मिला है वुमेन ऑफ द ईयर। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत का जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसमें कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना एक जो है अलग से जो स्थान है बनाया है अलग अलग इवेंट्स में अपने मेडल्स जीतकर, चाहे हम बात करें कर्णम मलेश्वरी की, आप होप सो आपको कर्णम मलेश्वरी का नाम आपने जरूर सुना होगा, चाहे हम बात करें PT उषा की जिनको इडुकी एक्सप्रेस भी कहा जाता है, चाहे हम बात करें हम रेसलिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप समझ ही गए होंगे मूवीज भी बनी थी उनके ऊपर, तो चाहे जो हम रेसलिंग में बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो हालांकि बहुत ही कम नाम है बहुत ही कम एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो है ये सारे के सारे जो है हमें इंस्पायर करते हैं कि कितनी कठिनाइयों के बावजूद भी जो है इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
बहुत सारे मेडल्स जीते और सिर्फ भारत का जो नाम है भारत में नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊपर करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं हम जो है आप भी इनसे प्रेरणा ले सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि बहुत छोटे से गांवों से या बहुत छोटी सी जगह और मिडिल क्लास फैमिली से हैं ये बिलोंग करती हैं और अपनी जिंदगी में मेहनत के बदले आज जब हम बात करते हैं 2021 में इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है आप जो है जिंदगी में अपने स्तर को ऊंचा उठाएं, पढ़ें लिखें और 10 साल बाद आपकी भी बातें, चाहे जो भी लड़कियां जो हैं, चाहे वो रिम्पी नेगी है, सपना आकृति जो है, जो घमटा, या जितने भी जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं यहाँ पर आकृति शर्मा, तो आपकी भी बातें 10 साल बाद ऐसे ही किसी सेशन में पढ़ाई जा सकती है। तो अपने आप को हमेशा है मोटिवेट रखें। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो जुड़ा है G20 से। तो इसका जो क्वेश्चन है मैं साथ साथ जरूर पढ़ूंगा, लेकिन जल्दी से बता दें 2021 का जो G20 समिट है इस साल कहां हुआ था। तो हम बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है जो G20 ट्रॉयका का जो है मेंबर नहीं है, जो इसका पार्ट नहीं है, इंडिया, इटली, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो जो है अब बताएंगे जो है 1, 2 और 3 कौन कौन से जो कंट्रीज है इसका पार्ट है। ठीक है, तो G20 की अगर बात करें इस साल की, तो जो है लगभग सभी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं इटली, रोम में इसका जो है इस साल आयोजन हुआ था। और यहां पर मैं बता दूं ट्रॉयका एक 3 देशों का समूह है। कौन से 3 देश हैं? ये वो 3 देश हैं जहां पर जिस साल G20 आयोजित की गई उससे अगले साल जहां पर आयोजित होगी और उससे भी अगले साल जहां पर आयोजित होगी, इन 3 कंट्रीज के समूह को बोल देते हैं ट्रॉयका। तो इस साल जैसे इटली में हुई तो ऑब्वियसली है इटली इसका मेंबर है ही है। अगले साल कहां पर होगी, मैं उम्मीद करता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, अगले साल ये होगी कहां पर, इंडोनेशिया में। और सबसे बड़ी बात है कि 2023 में इसको जो आयोजित किया जाएगा वो इंडिया में आयोजित किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो सिंगापुर इसका मेंबर नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 और 4। हां जी, तो 3 इस ऑप्शन में नहीं है। हां जी, तो दोस्तों ट्रॉयका इस साल रोम, इटली, अगले साल इंडोनेशिया और उससे अगले साल भारत, तो ये 3 इसके मेंबर हैं। और अगर मैं G20 की बात करूं, मैं इसका मतलब आपको बता ही चुका हूं ट्रॉयका का। और G20 में भारत समेत जो है 18 और कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अलग से 28 कंट्रीज हैं, तो उनके समूह को हम G20 बोल देते हैं। और G7 है उसका भारत अभी हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस तरह की अभी आप सबको पता होगा कि दिसंबर में अभी एक जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज की एक समिट होने वाली है और हो सकता है आने वाले दिनों में भारत G7 जो है एक्सटेंड हो सकता है अगले दिनों में G10, तो भारत उसका मेंबर भी हो सकता है। तो जल्दी से जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं और लगातार मेरे साथ है जो पढ़ाई कर रहे हैं काफी दिनों से, काफी हफ्तों से, तो जल्दी से मुझे बता दें कि G7 इस साल कहां हुई, इस साल एशियान कहां पर हुई, इस साल जो दोस्तों जो हमारा COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पर हुई, इन सभी जो है समिट्स के वेन्यूज हैं, जल्दी से मेरे साथ शेयर कर दें। और जो है मैं उम्मीद करूंगा काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो जरूर मुझे बताएंगे। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ है बढ़ जाता हूं इसी उम्मीद से कि पिछले प्रश्न जो पूछे हैं जल्दी से मुझे हैं उत्तर आ जाएंगे। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो जुड़ा है कि किस देश में कितनी महंगाई है, किस शहर में रहना कितना जो है महंगा है। तो इनमें से हम बताएंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सर्वे किया था, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जिसके तहत इसराइल का ये जो शहर है टेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसने ये सर्वे किया, वर्ल्ड बैंक ने किया, IMF ने किया या यूनेस्को ने किया। तो साथ साथ ये भी उत्तर देते रहें। और जो पिछला प्रश्न पूछा था वो भी सपना, साहिल, देवेंद्र, रिम्पी बता ही रहे हैं कि कॉप ग्लासगो में हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो G7 है वो लंदन में हुआ, ईशान ब्रूनी में हुआ। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें SCO था वो तजाकिस्तान में हुआ था, ब्रिक्स इस साल हिंदुस्तान में हुआ था। हाँ जी, तो बहुत अच्छा, पहला जो है ऑप्शन बता रहे हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। हाँ जी, तो सारे ही स्टूडेंट्स हैं ये आंसर दे रहे हैं। और सपना ठाकुर ने तो ये भी बता दिया कि सबसे महंगा एल टवीव, फिर दूसरे पे पेरिस और तीसरे पे सिंगापुर। हाँ जी, बहुत अच्छा, तो उत्तर आप सबका ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो है ये पूरी की पूरी लिस्ट है चीपेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज की, 173 सिटीज को है यहां पर काउंट किया गया था। और ये इसराइल का जो मेडिटेरियन कोस्ट के ऊपर, उसके बैंक के ऊपर ये जो शहर बसा हुआ है टेल अवीव,
टेल अवीव, तो ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो इसका एक नजारा, एक सुंदर सा नजारा, मेडिटेरियन सी के ऊपर बसा ये शहर, दुनिया का सबसे महंगा शहर है इसराइल। तो रिसेंटली वहां के जो है प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुए थे। उम्मीद करता हूं कि कोई मुझे 5-7 स्टूडेंट्स जरूर है उनका नाम बताएंगे कि इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन से हैं, जल्दी से बता दें उनके प्रधानमंत्री का नाम। और हम बहुत सारे जो है, आज का जो न्यूज़पेपर था तो एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भी हमने वहां से खरीदा है, तो उसका नाम भी अगर कोई बता सके तो बहुत अच्छा। तो जो है दूसरे पे पेरिस था, तीसरे पे सिंगापुर था। हाँ जी बिल्कुल ठीक है राजेंद्र जी जो आप लिख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि दोस्तों ये आप ही का सेशन है, ये चैनल आप ही का प्लेटफॉर्म है, इसको शेयर और लाइक भी जो है अपना समझ के करते रहिए। और क्लास के बाद जब भी आप कमेंट करते हैं, और कमेंट जरूर किया कीजिए, आपको कोई भी सजेशन, आपका कोई भी जो सुझाव है, हम अपने चैनल में, हम अपने इस जो सेशन में है जरूर इंक्लूड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले कई बच्चों ने आंसर भी दे दिया है कि सर नेप्ताली बेनेट वहां के नए प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा। फोर्थ क्वेश्चन, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 50 साल पूरे हो रहे हैं दोस्तों, 50 साल पूरे हो रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। और यहाँ पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है 50 साल जो है किस चीज के पूरे हुए हैं, क्योंकि पहले वो 1987 से पहले वो यूटी हुआ करता था, और 1987 में है उसे स्टेटहुड मिला था, तो एज ए यूटी उसको 50 साल है कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनके जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन होंगे, तो जो है स्टूडेंट्स आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। अरुणाचल के बारे में हम कहा जाता है कि इंडिया में सबसे पहले जो सनराइज है अरुणाचल में ही होता है, तो सनराइज जो है दोस्तों वो अरुणाचल से जुड़ा है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो है तो मोस्ट जो है चाइना के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और आंसर आपका ठीक है ही है, और जो है जिसका जो आंसर है संजय दत्ता है, साथ ही साथ पिछले प्रश्न का भी कुछ उत्तर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 1987 की अगर मैं बात करूं, 20 फरवरी को है इसको स्टेटहुड मिला था। जैसे हम हिमाचल को हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में जो है स्टेटहुड 25 जनवरी 1971 को स्टेटहुड मिला था, आप समझ गए होंगे, उससे पहले वो भी यूटी हुआ करता था। वैसे ही जो अरुणाचल है वो भी 20 फरवरी 1987 को स्टेटहुड मिला था। इससे पहले 1972 में जो है उसे 20 जनवरी को भारत की यूटी घोषित किया जाता था। उससे पहले उसका जो नाम 1972 से ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, उसका जो नाम है अरुणाचल का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, ये नाम लिया जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जैसे एक और जो है प्रश्न मैं बता देता हूं, जैसे कि हमारे यहां नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये जो पंजाब है, ये जब महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पीरियड की बात करते हैं जिसमें हिमाचल का भी बहुत सारा इलाका, कांगड़ा का इलाका आ जाता था, इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे, ऐसे अरुणाचल को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते हैं। तो 1972 में ये यूटी बना, और 1987 में 20 फरवरी को है इसे स्टेटहुड मिला था। तो जो है ये 50 साल अपना जो है यूटी के है सेलिब्रेशन कर रहा है, और संजय दत्त को है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर है वो घोषित किया है। तो एक लिस्ट मैं दे रहा हूं जहां पर सभी स्टेट से जुड़े जो फाउंडेशन डे है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो आप रीडिंग कर सकते हैं, सारे याद करने की तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम आंध्रा की बात करें तो दोस्तों उसका जो फाउंडेशन डे है वो भी 1 नवंबर है, 1 नवंबर बहुत सारे स्टेट्स है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ बहुत सारे स्टेट्स यूटीज का फाउंडेशन डे है, ठीक है। और भारत में आजादी के बाद सबसे पहले जो बनने वाला स्टेट भी आंध्रा ही था, और फाउंडेशन डे है उसका 1956 माना जाता है। फिर असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, और जहां तक हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल का जो फाउंडेशन डे था वो 15 अप्रैल 1948 था, और इसका जो स्टेट इसको जो बनाया गया वो बनाया गया 25 जनवरी 1971 को। और ये जो 25 जनवरी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं उम्मीद करता हूं पता भी होगा कि इसी वजह से 25 जनवरी को भारत में, क्योंकि हमारा जो हिमाचल है वो टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस है, बड़े दूर दूर से लोग यहां पर है घूमने आते हैं, यहाँ की वादियों का मजा लेने आते हैं, तो इसी वजह से 25 जनवरी को हम हर साल नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल टूरिज्म डे। यहाँ पर आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे डेज हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है, और हमारा जो देसी जो टूरिज्म है, जो नेशनल है, राष्ट्रीय जो टूरिज्म डे है, ये हर साल 25 जनवरी हिमाचल डे वाले दिन ही हम हैं उसे
सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों सभी स्टेट्स का मैंने जो है कर्नाटका, केरला, एमपी, मणिपुर, नागालैंड से सभी का जो है लिस्ट दिया है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो, इसको आप याद भी कर सकते हो। हाँ जी ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, यहां तक बता दें सब कुछ समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट है तो यहीं पर क्लियर कर लें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों है शेयर लाइक है करते रहें साथ साथ। और पांचवा प्रश्न है, और पांचवा प्रश्न जो है आप जब भी कोई एग्जाम फिल करते हैं तो जरूर है, वहां पर जब कैटेगरीज की बात आती है तो एक कैटेगरी आजकल नई एड ऑन हो चुकी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो एक प्रश्न है, इस प्रश्न को बताने से पहले ही है जो आप इससे प्रश्न जो है पूछे कि यहाँ पे कुछ स्मृति बोल रहे हैं सर, थीम देखो अपना देसी गैस। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं समझा नहीं है स्मृति जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? भाषा के आधार पर पहला स्टेट, बिल्कुल शर्मा गौरव, वो आंध्रा था जो तेलुगु भाषा के आधार पे बना था। और यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो ये जब किया गया कुछ वर्ष पहले 2019 में, तो ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये जो 10% रिजर्वेशन दी गई थी, ये भारतीय संविधान की कौन सा संशोधन था, कौन सी अमेंडमेंट थी, जल्दी से मुझे बता दें। और अभी ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को है रिव्यू करने के लिए 3 मेंबर कमेटी है गठन किया गया है, तो इस कमेटी के हेड कौन है, तो ये जल्दी से मुझे बता दें। और दो प्रश्न है मैंने पूछनी है आपका, कौन सा वहां अमेंडमेंट और कौन है अब इसको रिव्यू करने के लिए 3 मेंबर कमेटी के हेड बने हैं, तो विवेक जोहरी हैं, राजेंद्र हैं, प्रदीप कुमार हैं या अजय भूषण पांडे हैं। तो दोनों ही प्रश्न हैं, पहला प्रश्न तो आंसर आ गया है, जय बजरंगबली, स्मृति और कई सारे जो स्टूडेंट्स आज देख नहीं रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर एंड जीके और आदि मानव जी ने तो कहा था कि वो कुछ बिजी होते हैं, कोई बात नहीं। तो है जो स्टूडेंट्स 103वीं अमेंडमेंट थी, वेरी गुड। और जो अगर हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो दैट इज द अजय भूषण पांडे जी है जो अब इस 3 मेंबर कमेटी को जो है हेड करेंगे और अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को प्रोवाइड करेंगे। तो ये मुद्दा उठा था रिसेंटली सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, और ये जो हमारे पांडे जी हैं ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के मेंबर हैं, और वेरियस जो अप्रोचेस हैं जिस आधार पे इसको रिव्यू किया जा सके है उसको वो जो है उसको ब्रीफली है वो बड़ा माइनर तरीके से है उस पर नजर करेंगे। और क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, फिलहाल उसका जो पैरामीटर है कि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी में आते हैं, अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस की जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करने की जरूरत है। यहां पर इन्होंने दूसरा पैरामीटर है कि अगर आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, अगर आपका जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम है, और अगर आपके पास है जो घर है आपका 100 या 200 स्क्वायर यार्ड से कम है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे और कहीं ना कहीं मुद्दा था कि यहां पर जितना ये जो रिसोर्स जिसके पास है तो उसको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि इनको थोड़ा आने वाले वक्त में कम कर दिया जाएगा। तो इसमें जनरल कैटेगरी में 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया था जो 103वीं अमेंडमेंट थी हमारे जो भारत के संविधान की। और दोस्तों अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें अगले प्रश्न से पहले, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे स्टैटिक जीके पॉलिटी, तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट है जो हमारे 9वें शेड्यूल से जुड़ी है, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट, फिर 21st अमेंडमेंट है जो भाषा से जुड़ी है, फिर उसके बाद करें 42 अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है, 52nd अमेंडमेंट है, मैं सभी की लिस्ट लिख रहा हूं आप जरूर इनको देखें, 61st अमेंडमेंट है, फिर उसके बाद अगर देखूं मैं 73rd अमेंडमेंट है, फिर 74th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 86th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 92nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 100th अमेंडमेंट, फिर 100.01, 100.02, 100.03, 100.04, ये सारी ही अमेंडमेंट्स बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आपको जो है इन सभी को है अलग से आप इसके नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबली काफी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने उनका जिक्र है आपसे कर ही दिए। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, छठा प्रश्न है, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर, अमेरिका बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है, और जैसे हम ऑलरेडी देखते हैं चाहे वो याहू हो चाहे और बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जहां पर भारत ने अपने जो झंडे हैं, भारत के निवासियों ने, भारत के जो है पढ़े लिखे जो है नौजवानों ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं, तो यहां पर भी दोस्तों जो है अब यहाँ के जो नए सीईओ होंगे वो भारतीय होंगे, और उनका जो नाम है वो क्या होगा, शांतनु सत्यनडेला, सत्यनडेला आपने जरूर नाम सुना होगा, गूगल से जुड़े हैं, पराग अग्रवाल या सुंदर पिचई जो है वो जुड़े हुए हैं गूगल से, सत्यनडेला है जो वो भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, अभी माइंड में नहीं आ रहा किस प्लेटफॉर्म से हैं,
और शंतानु नारायण या पराग अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर जो है लगभग सभी स्टूडेंट्स दे रहे हैं नमन न्यांत। हाँ जी नमन न्यांत, आप भी नए स्टूडेंट्स लग रहे हैं आज। और बाकी नेहा शर्मा, बरखा धीमान, एडिट जोन, तो लगभग सभी बच्चे स्टूडेंट आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। रिप्लेस बिल्कुल बिल्कुल जैक डोर्सी को है कवि शर्मा जी जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। और जो है आंसर है पराग अग्रवाल। तो पराग अग्रवाल की अगर हम बात करें, ये तस्वीर है पराग अग्रवाल की, आईआईटी से हैं जो दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट रहे हैं और अभी तक वो है ट्विटर के सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे जो दूसरी बड़ी पोस्ट थी, और अब वो है जैक डोर्सी को पछाड़ के क्या बन चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं। ट्विटर के बारे में थोड़ा सा जान ले, इसका जो जन्म है इसकी जो शुरुआत है 2006 में हुई थी और पराग अग्रवाल ने 2011 में यूएसए से ही अपना पीएचडी कंप्लीट करके ट्विटर को ज्वाइन किया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में है। तो इसका हेडक्वार्टर हो, इसका जो जन्म हो और पराग अग्रवाल की जो ज्वाइनिंग हो, सभी कुछ आपको पता होना चाहिए। और ट्विटर है बड़ा हिंदुस्तान में जो है, ज्यादातर आम लोग फेसबुक, हम इंस्टा पे हैं, तो ट्विटर भी यूज कीजिए अगर आप जो है, क्योंकि इस पे बहुत सारे जो लोग हैं अपने जो है विचार हैं, अपने जो थॉट्स हैं हर रोज देते हैं। उम्मीद करता हूं कुछ लोग आप में से जरूर इसको जो है फॉलो भी करते होंगे। और के क्वेश्चन भी आप दिया कि हाँ जी अमन ठाकुर जी, आंसर राइटिंग के लिए हमारे अलग से फ्री इनिशिएटिव चलते हैं। मैं फिर सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसका मतलब आपका बहुत बड़ा है लॉस हो चुका है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़िए, पहाड़ी तूफानी नाम से जो हमारा जो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स वहां पे चलते हैं और इंग्लिश लिटरेचर जीके भी आ चुके हैं और आपका भी जो है सिविल स्टैप फैमिली में दोस्तों जो है आज के इस सेशन में सबका स्वागत है। तो आप बड़ा अच्छा है, कल आपने नाम दिया इस परिवार को सिविल स्टैप फैमिली, और जो है आप सभी इसके मेंबर हैं। आप जो है अपने सजेशंस और अपने जो एप्रिसिएशंस हैं, जो भी आपको लगता है जरूर है हर रोज कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए और अपने इस परिवार को और बड़ा करें। और वैसे तो भारत में जो जो गवर्नमेंट बोलती है हम दो हमारे दो, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा हम एक, क्योंकि ये स्टूडियो है, स्टूडियो में तो मैं अकेला हूं, लेकिन आपके ये जो नंबर है कंकरेंट व्यूअर्स जो कुछ देखते हैं ये है ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है, वही हमारी प्रेरणा है। तो अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, ये है ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ। तो ऑल इंडिया रेडियो दोस्तों एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है आजादी के 75 ईयर्स कंप्लीट करने की उपलक्ष्य पर, इसका नाम होगा एयर नेक्स्ट, एयर नेक्स्ट। और दोस्तों ये जो है इससे जुड़े दो पॉइंट्स हैं, हम बताएंगे कौन से पॉइंट ठीक हैं, कौन से पॉइंट गलत हैं। तो इस प्रोग्राम के जरिए जो एयर स्टेशंस हैं, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस हैं, वो नौजवानों को, यंगस्टर्स को, जो लोकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनको मौका देंगे यहाँ पर प्रोग्रामिंग करने का, यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम में है डिस्कस करने का, वहां पर पार्टिसिपेट करने का। और दूसरा है ये जो सेलिब्रेशन है आजादी के, जो 75 ईयर्स हैं, आजादी का अमृत महोत्सव का जो है एक हिस्सा होगा। तो है दोनों पॉइंट्स जो है ठीक हैं, दोनों गलत हैं, एक ठीक है या दोनों गलत हैं? तो है आंसर एज यूजर आने ही लगा है। और स्मृति गमता, हां जी बिल्कुल, और इंक्रीज करना है इसको, है हम जल्दी से सेंचुरी पूरी करेंगे, मैं तो उम्मीद यही करता हूं, क्योंकि अभी हम सेंचुरी से काफी दूर हैं, टारगेट है थोड़ा बड़ा ही रखता हूं, सेंचुरी कंप्लीट जरूर है, बड़ी जल्दी करेंगे और उसमें आप सभी स्टूडेंट्स का है बहुत बड़ा रोल होगा। तो उत्तर आ ही चुका है और दोस्तों उत्तर है सी, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो, हाँ जी, तो इसमें उम्मीद है कि 20,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो हजार से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हैं, यहाँ पर हिस्सा लेंगे और भारत के लगभग 167 एयर स्टेशन से है इनकी प्रोग्रामिंग की जाएगी और आजादी का जो 75 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन है, आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें एक है नई उमंग है ये फिलअप करेंगे। तो इसी उम्मीद से दोस्तों जो है एयर नेक्स्ट की जो है शुरुआत की गई है भारतीय गवर्नमेंट ने। तो ये सात प्रश्न, अब चलते हैं आगे जो है हिमाचल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर और यहां पर जो है बिल्कुल ताजे और दोस्तों बिल्कुल जो है फ्रेश क्वेश्चंस होंगे हिमाचल से जुड़े हुए, करंट अफेयर्स से जुड़े, लेकिन जो है क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शंस देखने से पहले और इसके बारे में विस्तार से है बात करने से पहले सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दें ज्यादा से ज्यादा। हां जी, तो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट भी आउट हो गया है। हाँ जी शर्मा गौरव जी बिल्कुल, अभी जो है इसकी पूरी जानकारी है, उसके जो रिजल्ट की पीडीएफ भी हम है, अगर जब भी आएगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी जरूर कर देंगे। हाँ जी, तो रिम्पी कह रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस का कौन बनाता है, तो ये आप नजदीक की जो आपके जो कचहरी है वहां पर जाइए रिम्पी ने की, वहां पर है ये जरूर बन जाएगा। हाँ जी, तो पहला जो प्रश्न है आईआईटी मंडी
तो अब ये भी अपने आप में प्रश्न है कि हिमाचल में मंडी जो है आईआईटी कहां पर है, मंडी में है, और जो एम्स कहां पर है वो बिलासपुर में है। तो दोनों ने अभी एक है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन किया है, तो वो किस जो है पर्पज के लिए इसको सिग्नेचर किया गया है, रिसर्च एंड एकेडमिक एक्टिविटीज करने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर है रिसर्च करने के लिए, या सिर्फ एकेडमिक्स के लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए, तो कौन सा जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। तो आज जो है न्यूज़पेपर में है दोस्तों, इसकी छोटी सी खबर थी लेकिन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसका जो सही उत्तर है लगभग कुछ बच्चों ने सही दिया, कुछ ने गलत दिया, होम इन द हिमालय गलत है, और इसके अलावा लगभग सभी बच्चे बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, रिसर्च एंड एकेडमिक एक्टिविटीज। तो आईआईटी मंडी और एम्स बिलासपुर ने है ये अभी एमओयू साइन किया है, एंड इट इज फॉर द रिसर्च एंड एकेडमिक एक्टिविटीज, एमओयू वाज साइंड एम्ड एट कंडक्टिंग ज्वाइंट रिसर्च एंड एकेडमिक एक्सचेंज एक्टिविटीज। तो जो है इनका जो है इकट्ठे होकर, ताकि आने वाले वक्त में हिमाचल निवासियों को, भारत निवासियों को इसका है बेनिफिट मिल सके। तो बहुत सारे डॉक्टर्स और टॉपमोस्ट इंजीनियर्स हैं इसमें भाग लेंगे, और बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स हैं इससे निकलने वाले हैं। तो दोस्तों ये याद रखिए, आईआईटी एंड एम्स, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबको पता होगा, और एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हाँ जी, दूसरा प्रश्न, हाँ जी दूसरा प्रश्न, हो सकता है कि जो इस शहर में रहते हो उनको भी ना पता हो, आने वाले वक्त में हिमाचल गवर्नमेंट है एक शहर है उसको जो है प्रोजेक्ट करना चाहती है, वहां पर स्पिरिचुअल टूरिज्म है इंक्रीज करना चाहती है, और उसको नाम देना चाहती है छोटी काशी। तो छोटी काशी, तो दोस्तों ये है इनमें से हिमाचल के किस शहर को है नाम दिया जाएगा, तो मंडी है, बिलासपुर है, धर्मशाला है, कांगड़ा है। तो यहां पर जो है बहुत ही बड़ा जो है शिव धाम है बनने जा रहा है, और आने वाले वक्त में बहुत सारे जो मंदिर हैं उनको एज ए स्पिरिचुअल टूरिज्म में प्रमोट किया जाएगा। और जैसे कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लगभग सभी सभी बच्चों ने है इसका उत्तर भी सही दे दिया है, इसका जो सही उत्तर है मंडी है। हाँ जी, तो दोस्तों सितंबर 2022 तो वहां पर जो एक बहुत ही बड़ा मंदिर बन रहा है शिव धाम प्रोजेक्ट तो है, उसके लिए अभी इन्होंने बोल दिया है गवर्नमेंट ने जयराम ठाकुर जी ने कि 2022 सितंबर तक इसे कंप्लीट करना है हर हालात में, और इसके लिए जो प्रोजेक्ट है जो लगभग 40 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट भी रखा हुआ है। द प्रोजेक्ट इज एम्ड एट प्रमोटिंग रिलीजियस टूरिज्म, हिमाचल में ऑलरेडी रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा है, चाहे हम चिंतपूर्णी की बात करें, कांगड़ा की बात करें, चौंडा देवी की बात करें, बहुत सारे इस तरह के तीर्थ स्थल हैं, और मंडी को भी जो है अब छोटी काशी का जो नाम है गवर्नमेंट देने जाएगी, जहां पर लगभग 81 टेम्पल्स, 81 जो मंदिर हैं लॉर्ड शिवा के हैं सिचुएटेड हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, टोटल जो इस प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी वो होगी 150 करोड़ से भी ज्यादा की। और जो मंडी है, जो मंडी है, मंडी को जो है आने वाले वक्त में अगर हम देखें, बहुत सारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं हर रोज बात करते हैं नए आने वाले हैं, और यहाँ पर बड़े सारे स्टूडेंट्स होंगे मंडी से भी होंगे, तो उनको भी बड़ा गर्व महसूस होता होगा, क्योंकि कभी हम मंडी की बात करते हैं, शिमला की बात करते हैं, और एक दिन पूछा था जब मैंने बात की थी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं मंडी से, कांगड़ा से बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो हिमाचल देवभूमि है लेकिन कुछ शहरों में है बहुत ही ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है काम हो रहा है, और जो है मंडी से ही है सपना ठाकुर, और भी बड़े सारे स्टूडेंट्स तो जुड़े ही हुए हैं। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है ग्रीन टैक्स से जुड़ा है, ग्रीन टैक्स किस से जुड़ा हुआ है, रोड टैक्स से, ये पर्यावरण टैक्स से, काउस से, या इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स से। तो इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो ग्रीन टैक्स से जुड़ा है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, ठीक है, अगर आप लगभग 6 महीने, 1 साल, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आप है आंसर दे ही देंगे। तो शर्मा गौरव कह रहे हैं कि फ्रॉम कैपिटल, तो शिमला या धर्मशाला से होंगे आप, और उत्तर है बिल्कुल सही आ रहा है, काफी बच्चों ने दिया है और लगभग सभी बच्चों का उत्तर बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज हम ग्रीन टैक्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कुछ डिमांड्स उठ रही हैं कि एटलीस्ट कम से कम जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं खरीदे जाते हैं तो जो है उनके ऊपर तो आप पर्यावरण टैक्स, ग्रीन टैक्स है ना लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने का मोटिव ही है कि हम पर्यावरण को है जो है दूषित नहीं करना चाहते। तो इसकी जो है डिमांड है, ऑनर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर्मिंग फोर्स, तो उन्हें भी ग्रीन टैक्स है हिमाचल में पे करना पड़ रहा है, और ये लगभग 2 व्हीलर्स की बात करें वहां पर 500 है, और कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो 5000 है, वहां पर इनको ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है। तो अभी हिमाचल में अभी इतने ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस भी नहीं है, तो बहुत सारे लोगों की ऐसी डिमांड है कि एटलीस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट तभी किया जा सकता है जब इसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो कम से कम की जाएगी। और अभी ना बोल रहे हैं सर ग्रीन टैक्स टू बी इम्पोज ऑन
ओल्डर व्हीकल्स सून, हाँ जी, टू क्लीन अप द एनवायरमेंट बाय फेसिंग आउट, हाँ जी बिल्कुल, पुराने व्हीकल्स पे तो ये ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में चलता ही है। तो ये दोस्तों प्रश्न थे, इसके अलावा ये एक और न्यूज थी। अब ये प्रश्न तो मैं इसका एमसीक्यूज तो मैंने नहीं बनाया, तो मंडी की ही बात करें तो मंडी में ये जो चंद्र तल और जो शिशु लेक है, तो इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले वक्त में इसको एज ए जो है ट्राउट, एज ए ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, वहां पर जो मछली का जो काम है, मछली पकड़ने का जो टूरिज्म है, जिन लोगों को शौक है वो ज्यादा से ज्यादा आकर यहाँ पर रहें, यहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री को, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रही है। तो प्रोड्यूस ट्राउट, ट्राउट एक आप सबको पता होगा फिश का नाम है, जिसको जो है पकड़ के लोग आमतौर पर खाया करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डीसी फिशरी एट कुल्लू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, क्योंकि कोविड टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो है बेरोजगार हुए, तो अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोकल्स एस्पेक्ट दिस विल प्रमोट एंगलिंग टूरिज्म। तो एंगलिंग टूरिज्म ये जो नाम है, ये कहा जाता है मछली से जुड़े हुए टूरिज्म को, एंगलिंग टूरिज्म। तो इसको भी हमें है पढ़ लेना है आपको ढंग से इसे। और इसके अलावा जो है हम पिछले इस हफ्ते में हमने तीन चार दिन में जो प्रश्न पड़े हैं हिमाचल से जुड़े, जल्दी से उनका मैं जो है दोस्तों रिवीजन कर देता हूं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि ये लोन दे रहा है 2000 करोड़ से ज्यादा का हिमाचल में, तो इसका हेडक्वार्टर मैंने पूछा था, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और इंफ्रास्ट्रक्चर को है और मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ का लोन देगा। फिर प्रेसिडेंट कलर, ये जो अवार्ड है रिसेंटली हिमाचल पुलिस को है दिया गया था। फिर तीसरा प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना का जो मकसद था वो था स्कूल एजुकेशन और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। वर्दी योजना, अटल स्कूल वर्दी योजना का, कि अब वर्दी के साथ साथ स्कूल बैग्स भी दिए जाएंगे 3,00,000 बैग्स। और ये मोनल, हिमालयन मोनल नेशनल एरोफेस्ट, ये जो फंक्शन था, ये जो एरोफेस्ट था, ये रिसेंटली कहां पर हुआ, ये खजियार में हुआ। तो दोस्तों ये तो अभी तक के जो है मैं जो 5-6 प्रश्न थे जो इस हफ्ते मैंने पढ़े थे, तो करंट है स्टेट वाइज ज्यादा नहीं है, लेकिन 2-2, 3-3 प्रश्न करके बहुत सारे हो जाएंगे। तो कोशिश होगी कि मंथली करंट अफेयर जो हिमाचल से जुड़े हैं वो भी आने वाले वक्त में आपको करवाए जाए। और दोस्तों यहां पर मैं स्पेशली बता दूं कि कल, क्योंकि सैटरडे स्पेशल है, तो जो हमारा न्यूज़पेपर है गिरिदाज है, उसका स्पेशल एडिशन दोस्तों, उसका जो विस्तार पूर्वक है इसी जो सेशन में है, हम बात करेंगे उससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब लास्ट जो एक मिनट, आप सबको पता है रिविजन टाइम, और ऑलरेडी साहिल ठाकुर ने लिख भी दिया कि सर रिविजन टाइम आ चुका है, तो सेशन को शेयर लाइक कर दीजिए। और दोस्तों है अगला जो एक मिनट है वो नहीं देखा तो फिर कुछ भी नहीं देखा। तो पहला प्रश्न है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स ने रिसेंटली किसे दिया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया है। दूसरा प्रश्न G20 ट्रॉय का, दोस्तों ये वो कंट्रीज हैं जहां पर G20 समिट हुई है, अगले साल होगी, उससे साल होगी, तो भारत, इंडोनेशिया और भारत इसके अभी मेंबर हैं। तीसरा जो प्रश्न था वो है कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों की एक जो लिस्ट है वो रिसेंटली किसने दी है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने दी है, और इसमें सबसे जो महंगा शहर है वो है टेल अविव, जो कि इजराइल के मेडिटेरियन सी के बैंक के ऊपर है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है वो अरुणाचल प्रदेश के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, दोस्तों वो सबको पता है संजय दत्त को है बनाया गया है, जिनको हम बाबा भी बोलते हैं। फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के ऊपर उसको रिव्यू करने के लिए अभी 3-member कमेटी का गठन किया गया है, और उस 3-member कमेटी के जो हेड है उनका जो नाम है वो है अजय भूषण पांडे जी, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, नए कौन होंगे, पहले वो CTO ऑफिसर थे और अब जो है दोस्तों IIT बॉम्बे से पढ़ा ये स्टूडेंट जिसका नाम है पराग अग्रवाल, जो है ट्विटर के, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में, वहां के नए CEO होंगे। और सातवां प्रश्न है एयर नेक्स्ट, ये आजादी के 75 ईयर्स के उपलक्ष्य में जो गवर्नमेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को है इकट्ठा करके, जो दोस्तों अलग अलग तरह के कार्यक्रम करेगी ताकि आजादी के 75 वर्ष को हम जो है स्वर्णिम तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और साथ ही साथ हिमाचल के करंट अफेयर। दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी के सभी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपने पिछले जो 30-35 मिनट से जुड़े हैं आपने इंजॉय किया होगा और पढ़ाई भी की होगी। और दोस्तों जो है कोशिश जो मैं यही करता हूं कि आप है अपने आप से एक दूसरे से है जो है जो मोटिवेट होते रहिए दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन जो है जो होना वो हमारे पास चॉइस नहीं है, वो हमें रहना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कर पाएंगे जिनके सपने हैं हमने बचपन से लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे 6:15 बजे, थैंक यू।